दिखाओ कौन सा क्वेश्चन। कोई नहीं, मैं देखता हूँ कहना क्वेश्चन इतना वोट कर लो। ठीक है, देखो जो IIT JEE के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर हम सोचें कि बुक्स की हेल्प से इनको हम करना सीख लेंगे तो लगभग असम वही काम है, क्योंकि बुक्स आपको इसमें RTC में तो मैं देखता कि इसमें तो बहुत ही शॉर्टकट मार रखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कहना क्वेश्चन किसका है, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन,
दे दिया क्या इसने, ऑर्डर दिया इसने, सेट दिया ए, एक सेट दिया एस 1 2 3 4, और ये पूछ रहा नंबर ऑफ डिसजॉइंट ऑर्डर्ड पेयर। अब डिसजॉइंट सेट तो होते हैं, अब डिसजॉइंट ऑर्डर पेयर किसा कह रहा हूँ पहले फिर देखना पड़ेगा ना। अगर हम इसके टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे इस सेट से, नथिंग ये डिफाइन किया एस टू एस है, सिंगल तो कोई ऑर्डर पेयर नहीं होता ना सिंगल का। अगर हम ये देखें फोर इसके एलिमेंट हैं और दोबारा इसी सेट में लें तो 16 क्या बनेंगे इसके, ऑर्डर पेयर बने, और जब 16 ऑर्डर पेयर बने तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए इसके, जो हम रिलेशन बनाते हैं 16 हो गए, फिर उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे तो उसमें डिसजॉइंट है। तो क्वेश्चन तो अपने आप बहुत वाइड है, ठीक है देखते हैं, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन पॉसिबल है इसने जो दे दिया, ये कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट जब भी मैं क्लास में आऊँगा सबसे पहले मैं ही करूँगा, ठीक है तुम देखना तुम भी देखना इसके ना बार, क्योंकि देखो आई आई टी के अगर देखिए पहले जो होता था पहले नाम तो रहा एमएनआर, ठीक है एमएनआर क्या होता था, स्पेशल यूपी का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस समय आईआईटी का अलग होता था और एक हमारी जो रुड़की यूनिवर्सिटी है उसका अलग होता था, ठीक। बाद में शायद इसको एमएनआर को बनाया उन्होंने यूपीटीयू उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर इस नाम को बटा के फिर एग्ज़ाम होने लगा इस नाम से, ठीक है। अब सीधा क्या कर दिया आईआईटी और जेई कर दिया, ठीक है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी के लिए एक एंट्रेंस है, यानी हमेशा पहले आईआईटी के लिए अलग होते थे और एमएनआर के लिए अलग एग्ज़ाम होते थे, क्वेश्चनों का लेवल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता था। अब क्या किया ये आईआईटी जेई का नाम तो रख दिया, अब इसमें दो एग्ज़ाम रख दिए जेई मेंस, ठीक है, प्लस जेई एडवांस, जेई एडवांस कह लो आईआईटी एडवांस कह लो कुछ, क्या कह रहे। अब सुनिए बात, आप ये जेई मेंस के नाम से दे रहे, ठीक है, मतलब नाम अपने आप में कन्फ्यूज़न करते हैं भाई, मेंस से पहले प्रीवी तो होता है, प्री कुछ नहीं है डायरेक्ट जेई मेंस है, जेई मेंस में आप जो भी फॉर्म निकलेंगे सब आप लिख के पहले सारा एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। सपोज जेई मेंस का एग्ज़ाम 10 लाख स्टूडेंट ने दिया, ठीक है, और जो हम मान के चल रहे हैं कि टोटल जो सीट है हो सकता है कि 2 लाख सीट हो, या यहाँ 10 की जगह 20 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होता है, और जहाँ तक उम्मीद है इतने स्टूडेंट जरूर बैठते हैं, और एग्ज़ाम भी कई शिफ्ट में कई दिन तक चलते हैं ना। क्वेश्चनों का डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, बस क्वेश्चन अदल बदल होते हैं, किसी में कुछ क्वेश्चन पूछेगा किसी में कुछ पूछेगा किसी में कुछ सकता है, वो फिर आगे रेशनलाइज करके वो सबको इक्वलेंट कर देते हैं मेरिट के हिसाब से। अब यहाँ 20 लाख स्टूडेंट हैं, 2 लाख हमारे पास बीटेक या बीटी की हमारे पास क्या है सीट्स हैं, ठीक है, तो 18 लाख तो यहाँ बाहर होने ही होने हैं। अब ये जो 2 लाख सीट हैं किन कॉलेजों में हैं, आईआईटी में हैं लगभग 7 लाख, जो हमारी आईआईटी कॉलेज है उनमें है, आईआईटी में तो शायद टोटल 10,000 सीटें हैं जिनमें जरूर की आईआईटी भी एक है, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो एनआईटी कॉलेज है उनमें होती है, इसके बाद इससे लो ग्रेड में होल्ड कॉलेज हैं, फिर प्लस फिर ये मैनेजमेंट वाले कॉलेज हैं, तो टोटल सभी इस एग्ज़ाम को जरूर मांगते हैं क्या ये दिया, जो बिल्कुल डेली बेस पर करते हैं ना जो बहुत ही सस्ते, जैसे कि आपका ये जो भूमि है उसमें भी टैक है, यहाँ भी कहना है कि कुछ भी रैंक हो कुछ ही मार्क्स हो एडमिशन हो जाएगा, सुंदरपुर है वहाँ भी टैक हो रही है, समझे।
सभी मांगते जरूर है, मैंडेटरी एक बेस में एग्जाम देना चाहिए, मेरिट कुछ भी उन्होंने तो फिर डोनेशन देना भी 2.5 लाख रुपए या 3 लाख। अब फाइटिंग है इनके लिए, यहाँ की लड़ाई है। ये क्या करता है, जेई मेंस में जब रिजल्ट निकलता है तो ये मेरे हिसाब से शायद 20 या 25 हज़ार, ये मान के चलो चलो 50 हज़ार ही आप मान लो, जैसे 50 हज़ार है नहीं एक दूसरे को पता नहीं, वो 50 हज़ार को कॉल करते हैं जब टॉप कैंडिडेट वाले होते हैं। उनको दूसरा एग्ज़ाम होता है जेई एडवांस, क्या होता है जेई एडवांस का एग्ज़ाम, ये टॉपर बच्चे देते हैं। इन 50 हज़ार में से ही वो 10 हज़ार छाँटते हैं जो आईआईटी के लिए, वो अपने आप छाँटते हैं। ये नहीं कि आप अपनी इच्छा से जेई एडवांस दे दो, वो तो मेरिट वाले नहीं, अपनी इच्छा पहले तो यहाँ पे मेरिट आपको जेई मेंस में अच्छी करनी पड़ेगी ना, जब यहाँ टॉप मेरिट में आओगे तभी वहाँ। और इसके लिए एक कंडीशन है कि 12th में मार्क्स आपके 75% होने चाहिए, जेई एडवांस के लिए 75% आपके 12th में होने चाहिए, समझ गए। तो यहाँ से फिर 10 हज़ार बच्चे तब छटते हैं इसमें से, एडवांस उनको देना है जिनको आईआईटी में जाना है। और वहाँ पर भी फिर जब ये 10 हज़ार स्टूडेंट होते हैं फिर उनकी परसेंटाइल के हिसाब से ही उनको आईआईटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिनमें वर्तमान में शायद जो नंबर एक पर रहती है वो आईआईटी मुंबई है, समझ। लेकिन ये मान के चलिए, देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से 2-3 एग्ज़ाम ही बहुत ही टफ है। 2-3 एग्ज़ाम कौन से हैं, आईएएस है, आईआईटी है, और एक होते हैं आपका एमबीए के लिए, जो जैसे अहमदाबाद एमबीए है वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कुछ करके ऐसा ही है, वो टॉप रैंकर होते हैं वहाँ पर जाते हैं। और ये सबसे, और इन तीनों एग्ज़ाम में आईएएस बनना कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि कंसेप्ट बहुत वाइड है, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, कितनी चीज़ें ध्यान रही, फिर राइटिंग स्किल होती है आपकी, ठीक है, फिर वहाँ इंटरव्यू होता है, पैनल है, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे पास भी हैं। आप कितना भी पढ़ दे, लड़के 10-10 साल बिंदास पढ़ते हैं, सारा कंटेंट पता होता है, लेकिन तब भी आईएएस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो आईएएस का एग्ज़ाम हो गया इसका जो क्राइटेरिया है बहुत ही वाइड है। वाइड का मतलब आपको सारी जीएस भी पढ़नी है, सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, इंटरव्यू फेसेस करने हैं, राइटिंग स्किल है आपकी, राइटिंग कैसी है ये भी मायने रखती है, मीडियम क्या है आपका, हिंदी मीडियम है तो मान के चलो 80% की 80% जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो गई अगर मीडियम नहीं, ठीक। अभी बचता है जो एमबीए करते हैं, जो अहमदाबाद 2-4 इंस्टीट्यूट हैं बढ़िया वाले, उनके लिए बीटेक वाले लड़के हैं एग्ज़ाम देते हैं, जो बीटेक हो या बीए किया हुआ जिसने, जो भी मतलब एमबीए करना चाहते हैं, तो वहाँ बीटेक वाले ऑलमोस्ट आईआईटी वाले भी एमबीए करते हैं। अब बचता है आईआईटी का एग्ज़ाम। देखिए आईआईटी का जो एग्ज़ाम है वो टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों कहता हूँ, यहाँ मेहनत करने वाला बच्चा इसको क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप हैं PCM, और तीनों में ही रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को रटना नहीं होता, ना फिजिक्स को, ना केमिस्ट्री को, ना मैथ, ओनली आपको समझना होता है। तीनों सब्जेक्ट के जितने डीप में चले जाओगे आप उतने ही ज़्यादा चांसेस आपको बन जाएंगे। हिस्ट्री है, मैंने खुद पता नहीं मुगल शासन कितनी बार पढ़ा होगा, अब मुझे पढ़े 3-4 साल हो गए, मैं भूल गया बहुत कुछ, भूल चुका। लिटरेचर सब्जेक्ट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसको भूल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इतनी जल्दी नहीं भूलते, भूलते से भी हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं भूलते, याद रहता। मैंने 1 साल एमएससी केमिस्ट्री की, अब अंदाजा लगाओ जिसने 1 साल एमएससी केमिस्ट्री किया हो केमिस्ट्री को कितनी अच्छी पकड़ होगी। 11th 12th मैंने फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है, और मैथ तो कंटिन्यू हुई, लेकिन वो चीज़ें बहुत पुरानी होगी, भूल गई, कभी फिजिक्स पढ़ाया होगा, आज से मैंने लगभग 2002 में फिजिक्स पढ़ा, 22 साल हो गए, नहीं फिजिक्स तो नहीं पढ़ाया ना, मैथ्स के टच में, मैथ का भी टच लगभग कई साल गैप हो गया अगर प्रिपरेशन की वजह से। तो ये आईआईटी एक ऐसा है, देखिए पीसीएम ग्रुप है, पीसीएम पे आप कमांड कर सकते हो, ठीक है, जो चाहे आईआईटी है चाहे जेई है, लेकिन उसका तरीका वही है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे मैंने टॉपिक्स आपको कराया है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 8 लेक्चर पे, 8 लेक्चर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराया,
या आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ और करा जा सकता है, कितने उत्तर है? अगर इस चैप्टर को आप कम से कम 20-25 तो लेक्चर हों और मेहनत करिए दबा के, तब जाके कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को ना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको स्टार्टिंग मिल चुकी है। बुक से पढ़ोगे, एक बुक से ली नहीं समझ में आया, हो सकता है आपने 40 क्वेश्चन ट्राई किए, 40 में 10 तो समझ में आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 40 से 40 समझ में नहीं आ रहे, 10 समझ में आए ठीक है, कोई नहीं, 10 पर सेटिस्फाई है। यूट्यूब की मेल प्ले है या कोई और कोर्स कर रहे हो उससे कर सकते हो। अपने 12th की बुक दोबारा से उठाइए, उसमें से पढ़िए दोबारा, तो अगली बार अगर आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन और समझ में आएगा। आप एक दिन में महारत हासिल नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक पर। अकेला परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के अगर फार्मूले की बात करूँ, मोर देन 100 फार्मूले होंगे कम से कम। कुछ चीज़ें तो ऐसी जो मैंने यहाँ बताई नहीं अभी, क्योंकि अगर मैं बताता भी तो शायद उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि जितनी बताई है कम से कम उन्हें स्ट्रॉन्ग करो और फिर धीरे धीरे एक दो दो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग विशेष होता है। बस ये चीज़ मान लो कि अगर आपने मेहनत करने का जुनून है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। अगर IIT JEE के लिए जा रहे हैं तो भाई 7-8 घंटे की स्टडी अपनी हैबिट बनाओ। अगर इतनी नहीं कर सकते तो सपना देखना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं। नहीं देगा भाई, एडवांस से ही तो IIT सेलेक्ट करते हैं लोग, एडवांस है ही उन्हीं के लिए। और मैं आपको बताऊं, एडवांस का मेंस का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी क्या है कि IIT के लिए आपके पास 2 चांस होते हैं सिर्फ, ओनली 2 चांस मिलते हैं आपको। JEE का एग्जाम तो आप कभी दे लो, लेकिन JEE से एडवांस में आप पहुँचे हैं एग्जाम तक, 2 चांस होते हैं, 12th अपेयरिंग और 12th के बाद 1 साल होते हैं, उसके बाद फिर आप IIT के लिए सेलेक्ट नहीं होते। लास्ट ईयर आप 12th में थे, 1 चांस तो होता आपके, एक ही आपके लिए लास्ट चांस, उसके बाद आप IIT में नहीं जा सकते। JEE में तो कहीं भी आप चले जाएंगे। जो बताने वाले बताते हैं कि JEE में अच्छा स्कोर वही कर पाता है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे अच्छी हो, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी हो। रीज़न क्या है कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन और जो कंसेप्ट आते हैं वो कम टाइम में कवर हो जाते हैं। कुछ कुछ फिजिक्स का भी है, लेकिन मैथ का तो आपको सोल्यूशन ही करना पड़ेगा। अगर आपको या तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने पहले कर रखा है और वो आ गया, आपको आंसर बाय द वे लर्न है उसका, तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। अगर नहीं है तो सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि इसको छोड़ दे, नहीं चलता, करना तो ये पड़ेगा। देखो, मार्किंग कोई मायने नहीं रखती, वो चीज़ें जो हैं सभी के लिए हैं। IIT JEE मैथ पढ़ाने के लिए टीचर बहुत कम अवेलेबल हैं, पढ़ाने को तैयार नहीं होता, पढ़ाने को बहुत पढ़ा रहे हैं, हाँ जी हम भी पढ़ा रहे हैं अभी भाई। एक्चुअली देखो, मैं बता रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में अंतर क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वही आती है जो आपकी बुक्स में है, जो कंसेप्ट बुक में है वहीं से क्वेश्चन उठाता है, वो थोड़ा बहुत घुमा दिया, वो भी न्यूमेरिकल। वो मान लें न्यूटन्स लॉ है, वो न्यूटन्स लॉ आपको थोड़ी बदल देगा, ये फर्स्ट लॉ ही है, सेकंड थर्ड, वही उससे रिलेटेड रहेगी। मैथ्स में क्या है कि आप सारे कंसेप्ट पूरे चैप्टर के लर्न पता होने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं होते, मैथ में ये इशू है। और मैथ में ये है कि अगर आपको डिफिकल्टी आ गई ना किसी क्वेश्चन पर,
उसे बताने वाला नहीं मिलने का, समझ रहे आप। गूगल तो फैल है ही, प्रथम दृष्टा गूगल फैल हो जाएगी कुछ भी केमिस्ट्री संबंधित कोई कंसेप्ट में अटके गूगल पर सर्च कर लो मिल जाएगा, मैथ में वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास टोटल एंड डिस्टिंक्ट वस्तु है, कितनी एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अगर एट ए टाइम आर ले लें तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे एनसीआर, ठीक है। अब इसी में अगर कंडीशन लगा दूं उसमें कि इनमें से अगर पी ऑब्जेक्ट, इनमें से समझने कोशिश करना, लिखने की मत करना क्योंकि लास्ट लेक्चर है, थोड़ा पढ़ाने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। इनमें से पी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ले लें, हम क्या कर लें, ऑलरेडी पहले अगर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, पी सेलेक्ट कर लिए हैं एन में से, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट बचेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट एन, आर एक बार में लेना और हमने पी ऑलरेडी ले लिए हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने बनेंगे, एन पी ये समझ में आ गया। दोनों जगह उसको पी लेस कर। दूसरा है कि जो पी ऑब्जेक्ट है उनको नेवर टेकन, उनको हम कभी भी ना लें, इसका बताओ क्या बनेगा। एन माइनस पी सी यही बनेगा ना, समझ में आया या नहीं यार। पी ऑब्जेक्ट अगर हम कभी भी ना ले, टोटल कितने थे एन, पी पे बाउंडेशन लगा दी तो हमारे पास कितने बचे एन माइनस पी, और उन्हीं में से कितने लेने हमें आर, तो उनका जो सिलेक्शन हो गया वो एन माइनस पी सी आर, क्लियर। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मेरे इस टॉपिक के पढ़ाने के बाद आपको ज़्यादा चीज़ें कोई ऐसी ना मिले कहीं टॉपिक में कि यार तो सर ने पढ़ाई ही नहीं क्या चीज़, समझ रहे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, वॉलीबॉल के हमारे 12 प्लेयर हैं, ठीक है, और हमें टीम बनानी है एक 9 प्लेयर की, कितने की 9 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। कुछ कंडीशन दी है, पहली कंडीशन ये है कि जो कैप्टन है उसको रखना आवश्यक है, क्या है वो नीड, यानी कि जरूरी है, कैप्टन को तो हम रखेंगे, ठीक है। तो टीम का सिलेक्शन कितने प्रकार से किया जा सकता है, अगर हमने कैप्टन को पहले ले लिया एक यहाँ से कम हो जाएगा 11 सी 8 हो जाएगा ना, समझो सर, समझ में आ रहा, अगर आ रहा तो यस करो। 12 प्लेयर है, 9 की टीम बनानी, कैप्टन हमने पहले से ले लिया, तो हमारे पास कितने पर्सन ऐसे बचे जिनमें छांटने हमें 11, और छांटने कितने और हमें 8 छांटने हैं ना, क्योंकि एक कैप्टन हमने पहले ले लिया, तो 11 सी 8 प्रकार से हम टीम को बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन दी कि एक प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया, क्या हो गया इंजर्ड हो गया, तो हम ले ही नहीं सकते, तो क्या इसका 11C9 होगा नहीं होगा, बताए होगा नहीं। अगर एक प्लेयर घायल हो गया 12 में से, उसे हमें लेना ही ले ही नहीं सकते। 9 की टीम बनानी ना, मैं ऊपर लिख दिया ना, टीम हमें जो बनानी 9 प्लेयर की बनानी उन 12 में से। पहली कंडीशन में कहा कप्तान जरूरी है, जब कप्तान जरूरी है उसको एक तरफ बैठा दो, आगे बचे 11 में 60 लेने, 11C8 हो गया। अब हमारे पास 12 प्लेयर थे, उनमें से एक इंजर्ड हो गया, तो कितने बचे 11 में से कितने लेने 11C9 हो गया। एक कंडीशन दी हुई है, कप्तान के अतिरिक्त एक गोली मारने वालों को भी रखना
आवश्यक है। वॉली का मतलब जो बहुत जोर से मारते हैं ना वो, उसको रखना। एक तो कप्तान है गया, एक वॉली मारने वाला, दो तो हमने पहले ले लिए। यहाँ पे कितने बचे? 10 सी 7 नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ फॉर्मर टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड टू वोवल फ्रॉम 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवल। समझ में आया? हमारे पास 7 व्यंजन और 4 स्वर हैं, ठीक। उनमें से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर के, 3 तो व्यंजन है और 2 वोवल्स लेकर के, यानी कि टोटल 5 लेटर लेने हैं। टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास? 11 में से कितने वर्ड बन सकते हैं? कंडीशन ये है कि 3 तो हमारे व्यंजन हो और 2 स्वर हो। 2 मिनट का टाइम आपके लिए, 2 मिनट में करके दिखाइए। क्वेश्चन मत लिखना, सीधा सॉल्यूशन करो उसका। कह दिया
आंसर दिया हुआ है 25,200। देखिए हमें जो वर्ड बनाने हैं थ्री कॉन्सोनेंट और टू वोवल, तो डेफिनेटली हमारे पास स्पेस कितने हैं, यानी कि फाइव लेटर्स के वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो इन फाइव में से थ्री प्लस टू हो गए, थ्री तो कॉन्सोनेंट के लिए हो गए। अब कौन से कॉन्सोनेंट के और कौन से वोवल्स के तो हमें पता नहीं, या पता है ये तो कुछ कंडीशन को ओपन नहीं की, दिख नहीं रहा। चलो ये फाइव हो गए, ये थ्री टू, थ्री कॉन्सोनेंट प्लेस हैं और टू वोवल्स प्लेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेवन कॉन्सोनेंट में से थ्री कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के प्रकार ये हुए, इसी प्रकार वोवल्स कितने हैं, फोर में से कितने वोवल्स लेने, टू, इनके प्रकार हो गए, टोटल इतने हो गए। इतने प्रकार से हम फाइव लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट एंड टू वोवल्स। ये उसी के तो प्रकार हुए ना, जो लाइन मैंने लिखी है। अब जो हमने फाइव ये लेटर सेलेक्ट किए हैं उनको आपस में अरेंज भी तो करेंगे ना, या नहीं करेंगे? क्योंकि जब वर्ड बनने की बात आती है तो लेटर का अरेंजमेंट भी तो होता है ना, आगे पीछे कहीं भी। तो जो फाइव हमारे लेटर हैं उनका अरेंजमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये छोड़ा है। लेटर की बात जब भी आएगी, लेटर वर्ड्स की, तो हमेशा उसमें अरेंजमेंट जरूर हो। अगर वो क्वेश्चन दे देता कि 11 लेटर हैं, उनमें से 5 लेटर लेकर बनने वाले वर्ड्स की संख्या बताइए, अगर वर्ड्स की संख्या वो पूछता है कितने आ जाते हैं, 11C5। नंबर ऑफ सिलेक्शन है 11 में से 5 छांटने के, लेकिन उनको अरेंज करके तब भी तो वर्ड बनेगा ना। तो वर्ड के समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, रिकॉल करा दूं आपको। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और अगर हम आर एट ए टाइम टेकन करते हैं, एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, NCR, ठीक। और जो हमने आर लिए इनको अरेंज करते हैं कितने तरीके से, आर फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल बन जाता है, NPR। भाई हमने कहा था
एन में से आर को लेकर बने परमुटेशन या अरेंजमेंट की संख्या वही होती है जो आर प्लेसेस को एन ऑब्जेक्ट से भरते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए चॉइस एन, इसके लिए एन माइनस वन, डॉट डॉट करके एन माइनस आर प्लस वन तक चले जाते हैं। और ये किसके इक्वल है कि पहले हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और फिर उनको अरेंज किए। ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, ये हमें कहती है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट लेकर जो अरेंजमेंट बनते हैं, हम उनको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले हम उन एन ऑब्जेक्ट में से आर का सिलेक्शन करें, सिलेक्शन कर लिया, और फिर उनको हम अरेंज करें, वो उसके उतने ही परमुटेशन के इक्वल होता है। इसको आप सिर्फ इतना ही मत पढ़े कि वो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन बी आर। ये हाँ, ये आप ये कह सकते हैं परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब हमने क्या बताया था, सीधा अरेंजमेंट बताया था नहीं फर्स्ट डे, या मैं से कह सकता हूं और फर्स्टली सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, ठीक है। इट मींस फर्स्टली सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद हम अरेंज, दोनों चीज, या तो चीजों को सीधे लो अरेंज कर दो, सीधे ली अरेंज की तो ये लगा दो, या फिर हम पहले सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर अरेंज कर रहे हैं, फिर ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, लिखना हो लिख लो। यही एडवांस का तो सिलेबस भी काफी अलग हो जाता है, क्या कह रहे टॉपिक, हाँ कुछ टॉपिक हट जाते हैं, बल्कि कम हो जाते हैं इससे, लेकिन बहुत ही डीप में चले जाते हैं कंसेप्ट को।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एडवांस में मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है एडवांस में। अब है नंबर ओ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं संभव संचयों की संख्या। छोड़ आप इसे ले सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से अच्छे खासे आते हैं 4-5 क्वेश्चन और वो इसके बिना चलती नहीं। नहीं सारे तो रिलेटेड नहीं है, मान लें इसका ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई मतलब नहीं, कैलकुलस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का 30-40% है। वहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटीज होती है और उसका जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे लिखते हैं नंबर ओ फेवरेबल इवेंट्स और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक। और जो फेवरेबल इवेंट्स होती है इसे निकालने के लिए ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगता है। क्या करें, देखिए एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनमें से सम या ऑल ऑब्जेक्ट टेकिंग एट ए टाइम, हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से कुछ या सभी को लेकर के बने क्रमचों की बने संचों की संख्या हमें निकालनी है। अब तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था संचय में, क्या बताया गया था, जो अब से पहले हमने संचय पढ़ाया आपने एनसीआर, उसमें इसमें कुछ डिफरेंट है या सेम ही है? और नीचे इसमें कुछ यहाँ पे इस लाइन में सेम और ये सम है, सेम नहीं, सम का मतलब कुछ या सभी। देखिए हमने जो पढ़ा था अब तक पढ़ा था कि कुल ऑब्जेक्ट एन दिए हुए उनमें से आर को लेकर के बने संचों की संख्या निकाल ली गया, हम पढ़ के आए हैं एन सी आर, ठीक। यहाँ दे दिया इसने कुछ या सभी, यहाँ कोई संख्या ओपन नहीं की, तो ये इसके क्रमचों की संख्या पूछ रहा है, कितने संभव क्रमचे बन सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लिया A1, A2, A3, A4, डैश 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 A8, इतने ऑब्जेक्ट है ना ये। अब इनमें से हम कुछ ले लें या सारे ले लें, अगर लैंग्वेज ये है कि कुछ या सारे लेकर बने क्रमचों की संख्या। अब कुछ में हम एक लें, दो लें, तीन लें, चार लें, हमें पता नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो कहता है कि A1 को चाहे ले लें चाहे छोड़ दें। फर्स्ट हम गए, हमने A1 ले लिया एक प्रकार, दूसरी बार गए A1 को हमने छोड़ दिया, कितने हो गए कुल, दो प्रकार है हमारे पास
दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरीके हैं किसके लिए, यही पॉसिबिलिटी किसके लिए है, यही पॉसिबिलिटी क्या करे, नहीं प्रोबेबिलिटी कैसे, हाँ मतलब उस तरह से ही आ रहा है, मतलब इसको हम ले लें या छोड़ दें, दो प्रकार हमारे, इसे भी ले सकते हैं छोड़ सकते हैं, दो प्रकार है। तो एन तक हमारे पास टोटल टू की पावर एन हो गया, ठीक है, ले लिया छोड़ दिया, ले लिया छोड़ दिया, ठीक। इन सारी कंडीशन में एक कंडीशन ये उस स्थिति में है कि हम ले भी रहे, ये लिया ठीक, तब इसके साथ हमने कुछ और ले लिए, ये छोड़ दिया तब इसके साथ हमने कुछ और ले लिए ये छोड़ते हुए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो होगी जो हम सारों को ले लेंगे वो इसमें शामिल है, और एक कंडीशन ऐसी भी बनेगी कि हम सारों को छोड़ दें, वो भी तो होगी ना समी, जब हम कह रहे हैं एक लेना एक छोड़ना, एक लेना छोड़ना सबकी टू टू होगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इनका अरेंजमेंट वो संचय कर रहे हैं, तो एक कंडीशन इसमें ऐसी भी तो होगी जो हम सबको छोड़ दें, वो भी इस टू की पावर एन में है, तो उसे माइनस वन कर दे तो संचयों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि अगर सारे छोड़ देंगे फिर तो कोई सिलेक्शन होएगा ही नहीं, हाँ फिर उनमें से एक कंडीशन वह छोड़ दी जिसमें हमने सारों के सारों को नहीं लिया, हर एक के लिए कह रहा ले लिया नहीं लिया, ले लिया नहीं लिया, ले लिया नहीं लिया, तो दो कंडीशन ऐसी हैं एक्सट्रीम अपने आप में कि एक बार तो सबको लेंगे वो इसमें शामिल है, और जो नहीं लेंगे वो भी शामिल है, लेकिन नहीं अगर हम किसी को भी लेंगे तो संचय नहीं बनने के, संख्या किसकी निकालनी है हमें, कॉम्बिनेशन संचय की, तो इसलिए इसको हम माइनस वन कर देते हैं, ये आपका फार्मूला है। कितने क्वेश्चन होंगे जब से ये आठवा लेक्चर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, कुल कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए होंगे, सबको 50-60 होंगे, ज्यादा ही होंगे सर, प्रैक्टिस तो तभी बनेगी ना, दिखाओ कहाँ, दिखाओ जो कोई नोट कर क्यों, अगर बाय क्वेश्चन कहाँ गए तुमने, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन किसने करे, दिखाओ इनमें से होंगे और हैं तो सर, ये देखो मैंने इसमें तो बल्कि उसमें सेट रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन का है, परमुटेशन है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, डेली कम से कम 10+ क्वेश्चन का डिस्कशन रोज हो रहा है, अब से पहले मैं कितने क्वेश्चन करा चुका आज लगभग, नहीं आज कितने क्वेश्चन करा चुका, आज भी लगभग 5 क्वेश्चन तो अब से पहले करा चुका मैं, 5 में तो अगर तुम 5 करें तो 50 नंबर करने पड़ेंगे, सही में तो आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा दो क्वेश्चन, नहीं एक्चुअली क्या है सर इसके कंसेप्ट इतने हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, अगर मैं कंसेप्ट छोड़ कर चलूँगा ना क्वेश्चन बच्चा अपने आप कर भी सकता है एक बार भी, लेकिन मैं ए रेमाला को कंसेप्ट पढ़ाया उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन करा दिए, अच्छा अगर मैं ये करूँ कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ फिर कंसेप्ट स्किप कर जाऊँ जो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता सर बच्चा यहाँ से पढ़ के जाए, एक काम कर सकते हैं, प्रमोटेशन हमारे पास 8 दिन चल रहा है, 8 दिन चल रहा है
आठ दिन में चार दिन तो मान लो हमने थ्योरम करा दी, होता नहीं सर वो, पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की कोई सर। अगर तो एक काम करो जी, जो प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चन दो, आपने तो कंसेप्ट अगर क्लियर कर दिया तो इनसे ये 50 क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं उसके प्रैक्टिस। नहीं तो मैं लगभग 3-4 क्वेश्चन डेली देता हूँ ना, 3-4 नहीं कम से कम 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए उस 8 दिन के अंदर, तो हो जाएंगे ना। नहीं 8 दिन में नहीं, मैं घर के लिए कम से कम 8 लेक्चर में इनको 20 के करीब क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए, 20 तो उन्हें अलग से दिए, यहाँ जो कराए वो अलग कराए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं चेक कर लिया, नहीं चेक करता हूँ एनडीए के बच्चे भी आएंगे आपके साथ, एनडीए के बच्चे लोगों को बिठवा रहे हैं सारे के सारे, मैथ्स पढ़ाए हैं ठीक है। रिपीट सारे के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ये काम करना भी बहुत ही आठ क्वेश्चन करके तुम्हें कुछ नहीं करता है। मैं सर उस चीज़ की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता ना, मतलब कॉपी में अगर ये वो तो इनकी है ना बात, ये है ना आपकी, तो ये है कि आप तो उतने करा दोगे भाई, आप सब उम्मीद करेंगे कम से कम 40-45 क्वेश्चन रिपीट करवा दो हर सब्जेक्ट की। नहीं तो देखो सर 8 दिन अगर लेक्चर चल रहा है तो 50 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक होने ही होने हैं, इसमें तो क्वेश्चन 50 के 100 ना हो गए हों, बस कम से कम 20-25 क्वेश्चन में सर नोट्स लाया नहीं उसमें लिखे हुए हैं, उसमें मैंने जो ना कराए यहाँ पे। अच्छा कौन सी बुक्स में पढ़ रहे हैं, तैयारी कौन सी कर रही है ये आरटी सर में है, कुछ क्वेश्चन इसमें से करा रहा हूँ जो एरर गणित वाले हैं। चलो तो घर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं ठीक है, आप दिया करो बटन घर का। नहीं देता हूँ सर, नहीं एक्चुअली क्या है ना, हम जो सोचते हैं ना कि क्वेश्चन करके ही एकदम मैथ सीख लेंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब मैंने उनको थ्योरी भी देता हूँ घर के लिए लर्न करने के लिए, भाई थ्योरी पढ़ के आना, इसे समझ के आना, फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। अब उस तरह से किसी का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो बच्चा घर करे। अब कितने के दिए मैंने, अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में यहाँ लिखवाता भी था, मगर जाके घर से भैया करके लाने हैं, चेक भी किए हैं आपकी कॉपी में। नहीं तो बाद में यहाँ ठीक है, तो हम फाइनली कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कट कर रहे हैं इसके, जो पढ़ाया जा रहा है तब प्रैक्टिस बनेगी उसकी, तब जाकर के कहीं दिमाग में चढ़ेगी वो चीज़, मतलब थोड़े में पढ़ ली खाली उसे क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। सर कुछ टॉपिक हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेट्रिक स्पेस है, वो क्या नाम, हाँ मैट्रिसेस आएगा, उसमें सेलेक्टिव मुश्किल से 20 फार्मूले हैं, 20 टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें कितने भी क्वेश्चन आओ वहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। अब ये मैंने सेट रिलेशन फंक्शन करा था, टोटल थ्योरी थी इसमें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेशन कौन सी इसमें हमारे पास तो बाद में है सर, अभी तो नहीं आया इंट्रोड्यूशन। हाँ उनमें फार्मूले कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, इसमें कंसेप्ट भी काफ़ी हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। अरे यहाँ पे तो इसमें तो अवेलेबल भी नहीं होते, अगर 11th 12th की करा देंगे, 2000 की है ये 12th की बुक, उसमें तो क्वेश्चन उठा रहा क्योंकि तो बहुत हैं इसमें, पूरे ही होते इतने क्वेश्चन होंगे उस वाली में। हाँ है लेकिन उनका लेवल इतना हाई है, वो यहाँ से सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते ना। अब एक बात बताइए बच्चे, हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम इसलिए करेंगे डिस्कस ये करो, अगर नहीं आता तो वो पूछो। मैं बात ये है सर, ये उसके लिए प्रेरित करो बच्चे को। प्रेरित सर देखो मेरा क्या है कि मैं वो नहीं चाहता कि बच्चा बेसिक तो पढ़ नहीं रहा, और उनसे कह दो भाई तुम IIT का पकड़ के क्वेश्चन इसको करना शुरू कर दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। नहीं बेसिक तो करा दो, हाँ प्रैक्टिस के लिए दो और थोड़ा उसको रिपीट कर दो। अब प्रैक्टिस के लिए सर क्या है, या तो इन्हें कोई बुक अलाउट कराओ, करा देंगे बुक अलर्ट करा देंगे भाई, बुक कराओ फिर सिमिलरिटी रहे। अब बुक्स नहीं, बुक्स कराओ और सिमिलरिटी के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब एक सब के साथ प्रमोटेशन के तो हैं या उसके हैं जिसके भी हैं उसी बुक से तुम पढ़ोगे तो वो भी सर से पूछो। अब स्थिति तो ये है कि क्वेश्चन तो ही है, अगर ज़्यादा नहीं करते ना 11th 12th में इतने क्वेश्चन दिए हुए, वो भी कर लेना, मिसलेनियस वाले आते हैं बाद में, वो भी अपने में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ से। जैसे मैं कल क्वेश्चन करा था एक वो लेटर वाला अगेन वाला, वो अपने IIT का हवा क्वेश्चन है वो, तो वहाँ से भी करो। अब मैं इन्हें वही चीज़ें कह रहा कि भाई अगर आप यहाँ पढ़ के घर नहीं पढ़ोगे ना कोई बेनिफिट नहीं होगा। चैप्टर अब आपको ये पढ़ा दिया गया, इसको कंटिन्यू डेली एक क्वेश्चन करो, लेकिन करो ये नहीं कि ये टॉपिक खत्म हो गया दूसरा शुरू हो गया हमने इसको छोड़ दिया, भूल जाओगे सारा ये।
और आगे प्रोबेबिलिटी तक तो कम से कम इसको साथ रखो डेली, एक एक दो क्वेश्चन का जरूर निकल, यही आएगा सर सारा इसका यूज। इससे थोड़ा टफ पड़ेगा? नहीं, इससे तो बहुत टफ है लेकिन सारा यूज है इसका, इसके बिना क्वेश्चन नहीं, यूज ही है प्रोबेबिलिटी में सारा ही, इसके बिना चलेगा नहीं काम। अब कल मैंने क्वेश्चन कराए, मैंने कोई कंसेप्ट तो नहीं बताया था, मैंने कल स्किप कर दिया, मैंने कल इस बुक से ना क्वेश्चन कराया, मैंने 10 कराया था, 15 क्वेश्चन हुए हूँ कल, तो कल क्वेश्चन ही कराए पूरे दिन, एक एक कंसेप्ट बच रहा था, मैं कल आज डिस्कस कर देता हूँ उनका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ना क्वेश्चन, इसलिए पहले आते ही मैंने क्वेश्चन भी कराए ना, 3-4 क्वेश्चन करा दिए, बल्कि आज मैंने काम होगा तुम नोटबुक में मत लिखना, बोर्ड पे ही करो क्योंकि टाइम कम है, मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँगा तुम्हें। चलो ठीक है, बस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो जाए। नहीं नहीं, क्वेश्चन पे मेरा ज़्यादा फोकस है सर, प्रैक्टिस लेकिन कंसेप्ट छोड़ के नहीं क्वेश्चन में कराने का, पढ़ाए जाए या ना पढ़ाए जाए हमने बस सवाल ये ठीक समझ में आएगा। 12 की पावर माइनस 1 इरेज कर दूं? देखिए हमने जो पढ़ा कि वही एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से कुछ या सभी को लेकर जो बने हमारे संचों की संख्या है वो 2n-1 हमने पढ़ा है, राइट? ठीक है, एक दूसरा तरीका इसका और निकालने का है, एन ऑब्जेक्ट्स थे, हमें सम या ऑल लेने हैं, ठीक है, तो क्या तरीका है, अगर एन ऑब्जेक्ट में से एक का सिलेक्शन करना हो कितना होगा, अगर 2 का करना हो, 3 का करना हो, डैश डैश करते हुए अगर n के n का करना हो, ये अब ये जितने भी हैं सबके बीच में क्या है ना, वो इनको ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर सकते हैं ना इनको, इसकी जो वैल्यू होती है 2n-1 दुनिया में मैथमेटिक्स के 90% से ज्यादा ना टीचर ऐसे हैं जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं इनमें दिमाग नहीं लगा, समझ के नहीं, और इसी वजह से आज का बच्चा ऐसा है कि वो कंपटीशन से बहुत दूर भाग गया। अगर ये चीज़ें 11th-12th में मैं आपको पढ़ा दूँ, 11th-12th की गारंटी कह रहा कि IIT JEE में आप सेल्फ स्टडी से ना सिलेक्शन हो जाए आपका, लेकिन पढ़ाते नहीं ना वो, देखिए उसने कहा कि कुछ या सभी लेकर के, कुछ का मतलब एक भी लूंगा मैं, अगर मैंने एक का सिलेक्शन किया तो ये है, मैं 2 ले रहा तो ये है, 3 है, ये सारी संभावनाएं पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन क्या है कि सिलेक्शन तो एक बार में ही कर रहे हैं ना भैया, तो यो कर लिया तो ये नहीं होने का, ये कर लिया तो ये नहीं होने का, तो टोटल कितनी संभावनाएं होगी, सबको ऐड करते हैं ना, ये हो गया। अब मुझे ये बताए, ये C0 C1 C2 -CN की वैल्यू क्या होती है? हाँ चल, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी द्विपद पर में आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, भी द्विपद पर में पढ़ाया आपने, NC0 NC1 NC2 NCN इक्वल टू ये 1+x⁻n का एक्सपेंशन है, नहीं है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी नहीं 12th में? देखिए मेरा काम यही खत्म होगा तो छोड़ कर ना भाग लेता, चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लो। एक फार्मूला होता है 1+x⁻n = NC0, ठीक, 1+NC1x+NC2x²+NC3x³(.NCn)xn होता है, नहीं होता है? इसमें अगर x की जगह वैल्यू 1 रख दूं, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n
एन सी जीरो, एन सी वन, सी टू और एन सी एन। एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है बताइए? एन सी जीरो की वैल्यू वन नहीं होती फॉर्मूला निकाल लो, फॉर फैक्टोरियल एन, जीरो फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, ठीक है। जीरो फैक्टर योग जीरो फैक्टर सारा वन है, अरे क्या कर दिया हमने, एन माइनस जीरो आओ तो एन से ये कैंसिल हो गया, कितना आया वन। इस वन को इधर उठा कर लिया होंगे तो माइनस वन नहीं हो जाएगा। और ये क्या है एन सी वन एन सी टू, यही है ना, फार्मूले से प्रूव कर दिया। और वैसे भी दूसरा अगर हम डायरेक्टली सोचें एन सी जीरो की वैल्यू क्या है इस फार्मूले में लगाए बगैर, यदि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ना ले तो संचों की संख्या कितनी होगी? एक ही तो होगा भाई, सारों को ले लेंगे, एन सी एन को भी ले लेंगे तब भी क्या होगा एक, और किसी को भी ना ले तब भी एक है। एन सी एन की वैल्यू निकाल लो, इसकी भी क्या होगी वन होगी। लिख लो अगर लिखना चाहे तो, उसमें थोड़ा बहुत इसका जो फार्मूला होता है वन प्लस एक्स की पावर एन, ये वाला जो लिखा है ये इसका फार्मूला ये है सारे का सारे का, ये वाला। देखिए एन में से अगर हम एक का सिलेक्शन करें तो संचय की संख्या कॉम्बिनेशन इतने हुए, अगर दो लेते हैं तो इतने, तीन हैं तो ये। कंडीशन उसने दिया कि सम या ऑल, कुछ या ले कुछ या सभी को लेकर जो संचय बन सकते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है, तो हमें उसने फ्री कर दिया, हम उसमें चाहे एक ले या दो ले या तीन ले या सभी ले लें। हमने पहले एक ली या दो ले लें या तीन ले लें, चार ले लें, पांच जहां तक हैं एन सारी ले लें, तो उनकी संख्या उसने कही टू की पावर एन माइनस वन। और हमने कहा था इनमें इस 2 की पावर n में, वो हमने उससे निकाला था ना 2 इंटू 2 इंटू 2 एन तक, हमने कहा था इसमें सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें एक बार एक को ले रहे छोड़ रहे, एक को ले रहे छोड़े, तो दो कंडीशन एक्सट्रीम है कि सारों को ले लें वो भी 2 की पावर n में ही शामिल होगी ना, और सारों को छोड़ दें वो भी इसमें शामिल होगी। लेकिन अगर हम सबको छोड़ दें तो क्या संचय बनेगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी ना, क्या सबको छोड़ते हुए कुछ सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए उस एक सिलेक्शन की वजह से हमने वन को माइनस किया, ठीक है। आप यहाँ पांच स्टूडेंट हो, आप में से कुछ या सभी को लेकर बने संचयों की संभव संख्या मुझे पूछना कि संचय कितने बन सकते। दोनों को पहले को मैं ले सकता हूँ छोड़ सकता हूँ, दूसरे को भी ऐसे ही, तीसरे को भी ऐसे ही, चौथे को भी ऐसे ही, तो ये टोटल संचय कितने बने? 2 की पावर 5, ठीक
ठीक, इनमें बीच में मल्टीप्लीकेशन है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि मैं पांचों को ले लूं, वो भी इसमें शामिल है, मैं पांचों को छोड़ दूं, वो भी इसमें शामिल है। एक कंडीशन ऐसी होगी ना, इसे भी ड्रॉप कर दिया मैंने, इसको भी ड्रॉप कर दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया और इसको भी ड्रॉप कर दिया। ठीक, मैंने एक कंडीशन इसे भी टेकन, ये 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 सारी क्या कंडीशन इसमें है नहीं बताओ है। अब मैं ये कह रहा हूँ सारों को ले रहा हूँ, संजय बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं सारों को ड्रॉप कर दिया, सारों को ड्रॉप कर दिया यानी कि सबको जीरो मान लिया, तो क्या मैं जीरो में से कुछ सिलेक्शन कर सकता हूँ? जीरो है, कोई सिलेक्शन संभव नहीं। तो ऐसी कंडीशन कितनी है? कितनी है? एक ही है ना कि सबको छोड़ दूं, तो उसलिए उसको माइनस कर दिया। तो ये वो है जिसमें संचय बनेंगे। अब अगर उसे एक को भी शामिल कर लेता तो वो सिलेक्शन नहीं होता, तो टोटल नंबर ऑफ संचय यानी कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 माइनस 1 31 आ गई। 31 तरह से मैं आपका सिलेक्शन कर सकता हूँ कुछ या सभी को लेकर के। अगर इसमें 32 होता तो एक कंडीशन वह भी शामिल है जिसमें आपको पांचों को मैंने छोड़ दिया, यानी कि वो संचय है ही नहीं। अब भी आया समझ में? लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बुक से कितने क्वेश्चन कराए गए इससे, या आप पढ़ लीजिए कराए गए कराए थे नहीं इससे कराए थे सर, इससे भी करवाए थे सर, दो तीन क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर आते थे वो सर, मैं अपनी तरफ से लेगा मेरे पास एक पोजिशन नोटबुक अपनी और सारे आई आई टी के तो आप लोगों को पता होगा ना, आई आई टी के तो क्वेश्चन आप भी देख रहे हैं। किसके मैंने चेक किया ऐसे करें पहले तो सही कर क्या करें नहीं मैं तो अब जाके सितंबर में या सितंबर के लास्ट में सितंबर रोटेशन पॉलिसी है ना, एक तो एक टीचर सारे लेक्चर भी करा सकते हैं, टीचर चेंज करने पड़े और हालात आपने देख लिया ये जो क्वेश्चन कराने वाली चीज़ें हैं, तो मैं मेरे हिसाब से तो जो पढ़ा रहा उससे बेहतर कोई नहीं आता, उससे क्या मैं घर पर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा एक महीना टिका है कोई दो महीने, क्योंकि मेरे लिए ऐसा नहीं पढ़ाया जाता बच्चे को जो अपनी ज़िंदगी में मार दिया। मेरा कहने का मतलब ये, अगर बच्चे ने मेरे से पढ़ लिया ना, मैंने उसको पढ़ा दिया, उसके बाद ऐसा ना हो कि वो आगे मुझे गाली दे कि साल भर बाद दो साल बाद सर ने पढ़ा दिया या मैं यूँ नहीं कर पा। मैं 100% को फाइटिंग करता हूँ, मैं तो अगर 100 का पेपर है तो 100 आने चाहिए, 99 नहीं आने चाहिए जब हमारे पास समय होता है। हमारे पास कुछ सिक्के हैं, एक रुपए का है, 50 पैसे का है, 10 पैसे का है, एक 5 पैसे का है और एक 2 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं। अब ये पूछ रहा
सिक्कों से कितने भिन्न भिन्न समूह बनाए जा सकते थे, क्वेश्चन को समझो, कितने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड बाय दीज फाइव पॉइंट्स। ना तो अरेंजमेंट बताया, ना संचय बताया, ना कॉम्बिनेशन बताया, ना परमुटेशन बताया, सिर्फ उसने बता दिया कि फाइव क्वाइंस हैं आपके पास, इनसे कितने अलग अलग ग्रुप्स बन सकते हैं। आप समझो, आप इसको किस फार्मूले पे लेके जाओगे, परमुटेशन तो खत्म ही हो गया, उसमें तो कहीं नहीं होगा। अगर कॉम्बिनेशन में क्या एनसीआर एप्लीकेबल है, नहीं है। अगर वो कहता है कि पांच में से दो लेकर के कितने संचय बन सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई दैट, बट इसने नहीं कहा, उसने कहा कि कितने भिन्न भिन्न ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। जब इसने ऐसी बात की तो यहाँ पे वही सम और ऑल टेकन, ठीक, उसके लिए वही कंडीशन है, इसको ले में या छोड़ दे, इसको ले में या छोड़ दे, यानी कि सीधी बात है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, दैट इज 31। ये लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन का, ये लॉजिक समझ में आ गया, फिर डिफिकल्टी लेवल तो हम अपने आप कवर कर जाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ना कौन सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें पता कि फेल पास का नियम ही होता है, ये पूछ रहा कि एक स्टूडेंट कितने प्रकार से फेल हो सकता है, समझ रहे आप। यहां फेल उस कंडीशन में मान लिया गया, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल है, तो वो पूछ रहा कितने प्रकार से फेल हो सकता है। देखिए, एक में भी पास, दो में भी, यानी कि एक में फेल हो सकता है, दो में भी फेल, तीन में भी, चार में भी, पांच में भी, छह में भी, ऐसी कंडीशन दिखगी। जब हम एक सेलेक्ट कर सकते थे, दो कर सकते, तीन कर सकते थे, उसके लिए फार्मूला क्या लगाता हमने, 2 की पावर n, यहाँ सब्जेक्ट 7 माइनस 1, माइनस 1 क्यों कर दिया, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी होगी को सभी में पास भी तो होगा ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है, यदि P प्लस क्यू प्लस आर इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें P अलाइक हैं, इसी तरह Q अलग अलाइक हैं और R अलग अलग अलाइक हैं, P एक तरह की हैं, Q एक तरह की हैं और R एक तरह की हैं, तो इसके हमें टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे। इसके लिए फार्मूला बनाया है इसने,
पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस, टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इतने बने, ठीक है। मान लिया हमारे पास दो एक तरह की एक ऑब्जेक्ट हैं, तीन की एक हैं, चार की, ठीक है, दो एक तरह की, तीन एक तरह की और चार एक तरह की, तो उससे जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, फोर प्लस वन, तीन चौक बारह पंजे साठ पंजे, ठीक है। अब पढ़ेगा भी नहीं भाई, अगर डायरेक्ट फार्मूले से पढ़ा दूँगा तो समझ में कहाँ जाएंगे। अबे अब देखिए, पी ऑब्जेक्ट हैं, लिखियो बाद में, पी ऑब्जेक्ट हैं, मान लिया। अब जो पी ऑब्जेक्ट हैं ऐसे लिखे हो सकते हैं कहीं भी, पी वन, पी टू, पी थ्री, इस तरह चलो पी पी तक चले गए। अब इनसे जो मैं संचय बनाऊंगा, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, पहली कंडीशन हो सकती है कि मैं किसी को ना लूं, इन पी में से मैं किसी को भी लेता, ठीक। दूसरा हो सकता है कि मैं सिर्फ पी वन को ले लूं, हो सकता है मैं पी टू को ले लूं, हो सकता है मैं पी थ्री को ले लूं या पी पी को ले लूं। इसके टोटल संचय कितने हो गए, वन से पी तक तो पी हो गया और एक इसके नाम का पी प्लस वन हुए, नहीं यानी कि ये ऐसे समझ लो आप, या तो किसी को ना लूं या सिर्फ मैं पी वन को ले लूं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ले लूं, या मैं पी वन पी टू दोनों को ले लूं, दो ले लूं, इसी तरह करते करते मैं पी वन पी टू डैश डैट पी पी, यानी कि सारी पी की पी भी ले लूं, जैसे अभी किया था ना कुछ वैसे सभी को लेकर के, तो एक भी ले सकता हूँ उन पी में से, दो भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ, सारे भी ले सकते हैं। तो ये टोटल प्रकार कितने आए, पी प्लस वन नहीं होगी, अरे इससे आगे ही पी है, ये तो पी हो ही रहे अगले भाई, पी वन ले लूँ या पी वन पी टू ले लूँ, पी वन पी थ्री ले लूँ या इस तरह ही है, तो सारे हो ही रहे हमारे पी, किसी को ना लूँ इसका भी तो एक वन जुड़ गया ना, तो इसके संचय कितने हो गए, पी प्लस वन, आगे आया क्यू, इसके संचय कितने हो जाएंगे, अगले संचय कितने हो जाएंगे, तो तीनों का जब इकट्ठे संचय करेंगे तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ऐसे ये फार्मूला है, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। और इसी के साथ इसमें क्या हुआ, पहले में हमने ये छोड़ दी और सारी ली भी, इसमें भी एक बार छोड़ दी सारी ली, एक बार छोड़ दी और सारी ली, तो ये जो आया इसमें वो भी है जो सारी ली और उसमें वो भी है जो छोड़ दी। अगर वो छोड़ दी जब हमने ली है उसको माइनस वन करेंगे जब ये फार्मूला कंप्लीट होगा, संचय को समझ गए, वन किस लिए माइनस किया, जैसे वहां मन वन टू की पावर एन में से एक कम किया था, जब सारी छोड़ दी जाए, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन ऐसे हैं जिसमें सारी चीजें शामिल हैं, सारी छोड़ी हुई भी और वैसे भी, उस छोड़ी हुई को अगर माइनस वन करेंगे तब हमारे संचय की संख्या होगी, क्योंकि अगर सारी को छोड़ देंगे तो फिर संचय नहीं बनेगा, या एक तरह समझ लो वहां इतना डिफरेंस था कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट था और सबके प्रकार कितने हुए थे, टू, हमने जो बताया था ना एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, वन पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 एन, इसको ले सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं टू, इसको ले सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं टू, टू आया कैसे, वन ले लिया छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट था
एक बार लिया छोड़ दिया, एक बार लिया एक छोड़ दिया। अब इन तीन की जगह अगर रिप्लेस कर दूं मैं पी क्यू आर से, पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, यहाँ याद है टू एन माइनस वन, वही इसको आर माइनस वन का थोड़ा कंपेयर करना आप आपस में देखना आप अपने आप कर। छुट्टी हो बस एक मिनट एक हो रहेगा कुछ हो रहेगा। एक हमारा होता है कि पी प्लस क्यू ऑब्जेक्ट्स को पी व क्यू ग्रुप्स में बनाना, ठीक है, पी प्लस क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, पी का एक ग्रुप बनाना और क्यू का एक ग्रुप बनाने के प्रकार जो हमारे होंगे उनके संचय होंगे। पी प्लस क्यू है, पी व क्यू का बनाना, अगर पी प्लस क्यू में से पी ले लिए तो क्यू का तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसका क्या होगा p प्लस क्यू सी पी फैक्टोरियल अपॉन p प्लस क्यू माइनस पी अपॉन पी फैक्टोरियल, p से p कैंसिल, क्या आया p प्लस क्यू फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। बाय द वे दोनों ग्रुप अगर बराबर हों, ये भी एक फार्मूला हो गया, तो ग्रुप P प्लस Q का P और Q में ग्रुपिंग करना, अगर दोनों बराबर हों P इक्वल टू Q हो जा तो क्या आएगा, ये 2P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P का स्क्वायर। लेकिन जब दो ग्रुप बनेंगे दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर होने के कारण यहाँ बाई टू और आ जाता है, इसलिए फार्मूला एक और है जिसमें P प्लस Q प्लस R होगा, तीनों इक्वल करेंगे ऊपर 3p फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल p की पावर 3 है। इसके अलावा कोई एक आधा कंसेप्ट बचा होगा तो मुश्किल है, यानी इसका सारा कंप्लीट आपका हो चुका है। चैप्टर के कंसेप्ट ही ज़्यादा थे, लेंथ ही बहुत ज़्यादा था, चैप्टर छोटा नहीं था। आप तो कंटिन्यू करते रहो, अपना फोकस रखो, क्योंकि इलेवेंथ में तो होना भी, हाँ तो कर लो आराम से कर लो, अप्रोच अपनी वही रखो। अब जो प्राइवेट बच्चे हैं ठीक है